वेलकम गाइज, वंस अगेन आज हम 2008 में आई मूवी बॉडी ऑफ लाइज को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि एक स्पाई थ्रिलर मूवी है और उसके लीड रोल में है लियोनार्डो डी कैप्रियो। मूवी की शुरुआत में हमें इंग्लैंड की एक स्ट्रीट दिखाई जाती है जहां पर स्पेशल फोर्सेस अपने एक स्ट्राइक मिशन पर जा रही थी, मगर जैसे ही वो लोग एक बिल्डिंग में इंटर करते हैं, बिल्डिंग में मौजूद एक आदमी एक बॉम्ब एक्टिवेट कर देता है जिसके ब्लास्ट से यहाँ बहुत तबाही मचती है और काफी लोग मारे जाते हैं। इसके बाद हमें यूएस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एडवर्ड हॉफमैन न्यूज देख रहा होता है कि मैनचेस्टर के भीड़भाड़ वाले इलाके में एक एक्सप्लोजन हुआ जिसमें काफी लोग मारे गए। असल में गाइस एडवर्ड एक CIA ऑफिसर है। इसके बाद एडवर्ड अपने सुपीरियर्स को बताता है कि अब टेररिस्ट ग्रुप्स काफी अजीब और खतरनाक मेथड यूज कर रहे हैं। अब वो लोग कम्युनिकेट करने के लिए न तो फोन यूज कर रहे हैं और न ही इंटरनेट, वो लोग फेस टू फेस कम्युनिकेट कर रहे हैं। और अब हमारा सिस्टम फेल है क्योंकि जब वो लोग कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज कर ही नहीं रहे तो हम लोग उनके मैसेज को नहीं पकड़ सकते और ये सिचुएशन काफी खतरनाक है क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन आदमी टेररिस्ट का मैसेंजर है। वो भीड़ में कोई भी हो सकता है और हमें ये भी नहीं पता कि हमारा दोस्त असल में हमारा दोस्त है या दुश्मन। और खास बात ये है कि ये लोग नेगोशिएट करना ही नहीं चाहते, ये लोग बस तबाही मचाना चाहते हैं। इसके बाद हमें इराक में हमारी कहानी का मेन हीरो रॉजर फेरिस दिखाया जाता है। रॉजर एक CIA ऑपरेटिव है जो कि यहाँ पर पोस्टेड है। रॉजर का एक दोस्त भी है जिसका नाम बसाम है। असल में गाइस ये आदमी रॉजर का इन्फॉर्मर हुआ करता था, मगर अब रॉजर की इससे अच्छी दोस्ती हो चुकी है। बसाम रॉजर को इन्फॉर्म करता है कि टेररिस्ट ग्रुप में निजार नाम का एक आदमी है, हाल फिलहाल में उसका नंबर सुसाइड बॉम्बिंग में आ चुका है, मगर वो मरना नहीं चाहता इसलिए उसने हमारी हेल्प मांगी है। तो ये लोग निजार से मिलने के लिए चले जाते हैं और इसी वक्त CIA वाले इन पर सैटेलाइट से नजर रख रहे थे। इसके बाद बसाम निजार को अपने साथ ले आता है। निजार रोते हुए बताता है कि मैं मरना नहीं चाहता, मैं तो अमेरिका में पीसफुल लाइफ बिताना चाहता हूँ। निजार बोलता है कि क्या तुम्हें पता है मेरे पास PhD है और मैं 6 लैंग्वेज बोल सकता हूँ। तो रॉजर भी बोलता है कि आधे से ज्यादा आतंकवादियों के पास PhD की डिग्री होती है और वो भी बॉम्ब वगैरह बनाने से रिलेटेड, तो अपनी बकवास बंद करो और हमें जरूरत की जानकारी दो। तो निजार रॉजर को एक डिस्क देता है। तो रॉजर अपने कैप्टन एडवर्ड को फोन करके बताता है कि हमें एक आदमी मिला है जो कि साइड बदलकर अमेरिका में शरण लेना चाहता है और उसने हमें जरूरी इन्फॉर्मेशन भी दी है और जिसके हिसाब से सलीम नाम का एक टेररिस्ट और उसका ग्रुप रीसेंट बॉम्बिंग के पीछे है और वो अपने किसी न्यू मिशन की तैयारी कर रहा है जो कि UK में होने वाला है और ये वीडियो लगभग एक हफ्ते पुरानी है, यानी आज सुबह मैनचेस्टर में हुई बॉम्बिंग में इसका ही हाथ है। रॉजर फिर कंटिन्यू करता है कि ये लोग कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज नहीं करते, वो लोग इंस्ट्रक्शन को एक डिस्क में एज अ वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और इस डिस्क को हैंड टू हैंड ट्रांसफर किया जाता है, मगर असल में ये भी एक दिखावा है। रियल ऑर्डर्स तो या तो वर्बल होते हैं या फिर किसी पेपर पर राइटिंग में, और वो भी कोडेड होते हैं। और लास्टली निजार ने हमें एक पॉसिबल सेफ हाउस की जानकारी भी दी है। तो एडवर्ड कहता है कि निजार को अमेरिका लाने की कोई भी जरूरत नहीं है, उस पर नजर रखो और जब उसके ग्रुप वालों को उस पर शक होगा तब वो लोग निजार को मारने जरूर आएंगे, तब उन लोगों को ऐसा लिंक फॉलो किया जा सकता है। मगर निजार जल्दी ही खतरा भांप लेता है और इन पर भड़कने लगता है। रॉजर फिर उसे जैसे तैसे करके शांत कराता है और फिर उसे यहाँ से जाने देता है, मगर निजार को नहीं पता था कि बसाम और रॉजर उसे फॉलो कर रहे हैं। और तो और CIA भी निजार पे नजर रख रही थी, मगर तभी यहाँ पर एक ब्लैक वैन आ जाती है जिसमें से कुछ लोग निकलकर निजार पे फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं, मगर निजार अभी तक मरा नहीं था। तो निजार की CIA से कॉन्टेक्ट करने वाली इन्फॉर्मेशन छुपाने के लिए रॉजर निजार को मार देता है और बसाम के साथ निकल जाता है, मगर एडवर्ड रॉजर से कहता है कि तुम शायद पहचान लिए गए हो तो कुछ दिन के लिए कहीं छुप जाओ, मगर रॉजर ऑर्डर्स को डिसोबे करके निजार के बताए पते पर जाने लगता है जहां शायद टेररिस्ट का सेफ हाउस हो सकता है। रॉजर देखता है कि सेफ हाउस के बाहर एक आदमी काफी सारी डिस्क चला रहा है ताकि उसके सुपीरियर्स के कमांड का कोई भी एविडेंस ना बचे। तो रॉजर वहां जाने के लिए रेडी होने लगता है और बसाम से कहता है कि अगर मैं पकड़ा जाऊं तो मुझे गोली मार देना। तो बसाम भी कहता है कि खुशी से मेरे दोस्त, भाई दोस्त हो तो ऐसा। रॉजर फिर ड्रेस बदलकर उस आदमी तक पहुंच जाता है और इसी वक्त बसाम एक आदमी को मार देता है और दूसरे को रॉजर टपका देता है। इसके बाद यहाँ पर तगड़ी फाइट चालू हो जाती है। तो बसाम CIA से मदद बुलाने लगता है और CIA भी जल्दी से एक्टिव हो जाती है और अपने दो हेलीकॉप्टर यहाँ पे भेजती है और दूसरी तरफ रॉजर वगैरह जलती हुई CDs वगैरह उठाकर जल्दी से यहाँ से भाग निकलते हैं और बैकग्राउंड में यहाँ पे एक तगड़ा ब्लास्ट होता है और इस इंसिडेंट का बाकी आतंकवादियों को भी पता लग जाता है
और वो दूसरी तरफ से रॉजर की कार को चेस करने लगते हैं। और अब तक CIA के हेलीकॉप्टर भी यहाँ तक पहुँच चुके थे और वो फर्स्ट चेजिंग कार को जल्दी ही उड़ा देते हैं। मगर जब तक वो दूसरी कार पर हमला कर पाते, दूसरी कार में मौजूद टेररिस्ट अपनी RPG से रॉजर की कार को उड़ा देते हैं, जिसमें बसाम तो मारा जाता है मगर रॉजर बच जाता है। आखिर हीरो जो है, पिक्चर भी तो पूरी करनी है। US फोर्स वाले रॉजर को जल्दी से लेकर यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि वो अभी भी जिंदा था। जब रॉजर को होश आता है, वो अमेरिकन आर्मी बेस में था। वहाँ मौजूद डॉक्टर रॉजर को बताता है कि ऑपरेशन के दौरान तुम्हारे घावों में से काफी बोन फ्रेगमेंट्स मिले हैं जो कि तुम्हारे नहीं है। तो ये जानकर रॉजर समझ जाता है कि ब्लास्ट के दौरान बसाम के बोन फ्रेगमेंट्स उसमें गड़ गए होंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि असल में ये US मिलिट्री का कतर बेस है, जहाँ पे एडवर्ड रॉजर को फोन पर बोलता है कि तुम्हारी लाई गई डिस्क से हमें काफी इन्फॉर्मेशन मिली है, जिसमें काफी सारे फोन नंबर्स और अमान में सलीम के सीक्रेट बेस की डिटेल भी है। रॉजर काफी गुस्सा कर पूछता है कि बसाम की फैमिली का क्या होगा, उसने इस मिशन के लिए अपनी जान गंवा दी। तो एडवर्ड बताता है कि कौन सा बसाम, मैं तो उसे जानता भी नहीं। और मिस्टर रॉजर, तुम अब अमान जा रहे हो। गाइस, अमान जॉर्डन कंट्री में एक शहर है और अमान में रॉजर एज अ एक्टिंग स्टेशन चीफ होगा। एडवर्ड रॉजर से कहता है कि वहाँ तुम जॉर्डन के GID से कॉन्टेक्ट करोगे, वो लोग भी सलीम के टेररिस्ट ग्रुप के पीछे पड़े हैं, और तुम हनी सलीम नाम के एक आदमी के साथ काम करोगे जो कि GID का हेड है। तो रॉजर इस अरेंजमेंट के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद जॉर्डन में US की एम्बेसी दिखाई जाती है, जहां पर रॉजर की मुलाकात करण स्टेशन चीफ से होती है, जिससे रॉजर ऑफिस से बाहर निकल जाने के लिए कहता है, क्योंकि न्यू ऑर्डर्स के हिसाब से नया स्टेशन चीफ रॉजर होगा और पुराना चीफ रॉजर को बुरा भला कहकर यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद रॉजर GID कॉम्प्लेक्स जाता है। दरअसल गाइस, GID जॉर्डन की इंटेलिजेंस एजेंसी है, जहाँ पर रॉजर की मुलाकात GID के हेड हनी सलाम से होती है, और कुछ देर एक दूसरे की झूठी बड़ाई मारने के बाद ये काम के मुद्दे पे आ जाते हैं। रॉजर हनी सलाम को कुछ इन्फॉर्मेशन देकर बताता है कि हाल ही में हमें अमान में सलीम के टेररिस्ट कैंप और सेफ हाउस का पता चला है। हनी सलाम सरप्राइज है, क्योंकि एडवर्ड हॉफमैन अपने सीक्रेट इन्फॉर्मेशन किसी से भी शेयर नहीं करता। तो रॉजर बोलता है कि सर, ये इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से है, क्योंकि यहाँ काम करने के लिए एटलीस्ट मुझे आपका भरोसा चाहिए। तो हनी सलाम कहता है कि अगर मेरे साथ काम करना है, पहला रूल हर समय फॉलो करना कि कभी भी मुझसे झूठ मत बोलना। असल में गाइस, रॉजर को जॉर्डन के GID एजेंट्स की जरूरत सलीम के सेफ हाउस पर नजर रखने के लिए चाहिए थी। इसके बाद रॉजर दूर से सलीम के सेफ हाउस को चेक करता है, और इस टाइम पर GID के एजेंट्स भी यहां तक पहुंच जाते हैं, और वो लोग सेफ हाउस पे नजर रखने लगते हैं। और इन लोगों ने ढकेल वालों का रूप बना रखा था। मगर तभी रॉजर को एक लड़के पे शक होता है, जो कि सलीम के एक आतंकवादी से कांटेक्ट कर रहा था। तो रॉजर का साथी बताता है कि ये हमारा आदमी है और ये सर एडवर्ड हॉफमैन के ऑर्डर पे काम कर रहा है। रॉजर जल्दी ही समझ जाता है कि इस सब में एडवर्ड हॉफमैन कुछ गड़बड़ जरूर कर रहा है, और ये उसी का आदमी है, और ऐसा होता भी है। इसी टाइम एडवर्ड इन पे नजर रख रहा था। इसके बाद वो टेररिस्ट खतरा भांप कर यहां से भाग जाता है, मगर रॉजर उस आतंकवादी तक पहुंचकर उसे मार देता है। मगर कुछ डॉग्स रॉजर को काट लेते हैं और बेचारे रॉजर को रेबीज का इंजेक्शन ठुआना पड़ता है। और यहाँ हॉस्पिटल में उसकी मुलाकात आयशा नाम की एक नर्स से होती है, जो कि रॉजर को पहली ही नजर में पसंद आ जाती है। वैसे गाइस, एजेंट्स के स्ट्राइक जोन में फीमेल हीरोइन नर्स या सिंगल मदर ही होती हैं। रॉजर को पता चलता है कि आयशा एक ईरानियन है। इस बात रॉजर एडवर्ड पर काफी भड़कता है कि एक तरफ तो मुझे ऑपरेशन चलाने के लिए अमान भेजते हो, और दूसरी तरफ खुद भी यहाँ पे ऑपरेशन चलाते हो जो कि मेरे ऑपरेशन का काम बिगाड़ रहा है। मगर एडवर्ड रॉजर की बातों पे कोई भी ध्यान नहीं देता। इसके बाद रॉजर हनी सलाम से मिलने जाता है, जहाँ पर हनी सलाम रॉजर के बॉस एडवर्ड की हरकतों से काफी नाखुश है, और वो रॉजर को टॉर्चर रूम का सीन दिखाता है, जहाँ पर एडवर्ड के आदमी को बुरी तरह से टॉर्चर किया जा रहा था। हनी सलाम बोलता है कि एडवर्ड को बताना कि तुमने यहाँ पे क्या देखा, वरना वो अपनी हैसियत भूलकर फिर से बेवकूफी कर बैठेगा। इसके बाद हमें एम्स्टर्डम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक आदमी को कचरे के डिब्बे में एक कागज मिलता है, जहाँ पर नेस्ट ब्लास्ट की लोकेशन लिखी हुई थी, यानी ये सलीम का ही आदमी है। इसके बाद पेपर पे लिखी जगह पर एक तगड़ा ब्लास्ट होता है, जिसमें काफी सारे लोग मारे जाते हैं, और इसी इंसिडेंट की न्यूज रॉजर भी देख रहा होता है, और इसी न्यूज को सलीम और उसके आदमी भी देख रहे होते हैं। और ये सब देखकर सलीम अपने काम से काफी खुश है। इसके बाद हनी सलाम रॉजर से मिलता है और उसे अपने साथ ले जाता है। हनी सलाम बताता है
कि आज सुबह हुई एम्स्टर्डम वाली बॉम्बिंग सलीम का ही काम है और वैसे हमें सलीम के टेररिस्ट ग्रुप में मौजूद एक आदमी मिल चुका है। हनी सलाम बताता है कि असल में तुमने मुझे जब इन्फॉर्मेशन दी थी तो मैंने उन फोटोज में से एक आदमी को पहचान लिया था और मैं उसे बचपन से जानता हूँ। उसका नाम मुस्तफ़ा करामी है और फिर ये लोग एक वीरान इलाके में पहुँच जाते हैं जहाँ पर मुस्तफ़ा को पकड़ के रखा गया था। हनी सलाम जो कि मुस्तफ़ा को पहले से जानता था वो उसे धमकी देता है कि या तो तुम हमारे लिए काम करो या मैं तुम्हारी मदर को तुम्हारी सच्चाई बता दूंगा। तो डर कर मुस्तफ़ा हनी सलाम की बात मान जाता है और फिर हनी सलाम उसे जाने देता है, वो भी सुपर साइकिल पर। अच्छी पनिशमेंट है। वहीं जब रॉजर इस सब के बारे में एडवर्ड को बताता है तो एडवर्ड भी जॉर्डन पहुंच जाता है और हनी सलाम से जाकर मिलता है और डायरेक्टली मुस्तफ़ा के बारे में जानकारी मांगता है। मगर हनी सलाम इसके लिए साफ साफ मना कर देता है। मगर एडवर्ड सलीम की रिसेंट फोटो दिखाकर बोलता है कि शायद ये फोटो मुस्तफ़ा से ज्यादा कीमती है, मुझे मुस्तफ़ा चाहिए। मगर हनी सलाम अभी भी डील के लिए मना कर देता है। तो लौटते समय रॉजर एडवर्ड पे काफी भड़कता है और बोलता है कि तुम्हारे पास सलीम की फोटो थी तो ये फोटो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं दी। मगर एडवर्ड इसका कोई भी जवाब नहीं देता। मगर फिर भी एडवर्ड बताता है कि सलीम का असली नाम करीम शेम्स है जो कि सीरिया में पला बड़ा है। इसके बाद रॉजर एडवर्ड को समझाता है कि मुस्तफ़ा को डबल एजेंट बनाने की कोशिश मत करना वरना हनी सलाम मुझे इस देश से निकाल देगा और इस ऑपरेशन का बैंड बच जाएगा। एडवर्ड रॉजर को भरोसा दिलाता है कि वो मुस्तफ़ा पर हाथ नहीं डालेगा मगर इसकी शक्ल देखकर तो लगता है कि ये नहीं मानेगा, ये तो पक्का मुस्तफ़ा के पीछे जरूर जाएगा। और ऐसा होता भी है, एडवर्ड अपने आदमी को मुस्तफ़ा के पीछे लगा देता है मगर मुस्तफ़ा को इसका अंदाजा हो जाता है और वो भाग निकलता है। इसके बाद रॉजर आयशा से रेबीज का दूसरा इंजेक्शन लगवाने जाता है और आयशा को अंदाजा हो चुका है कि वो रॉजर को पसंद है। तो थोड़ी देर भाव खाने के बाद वो रॉजर के साथ डेट पर चलने के लिए राजी हो जाती है और डेट पर ये लोग खूब इंजॉय करते हैं मगर इन पे हर वक्त नजर रखी जा रही थी। मगर जब रॉजर आयशा को उसके घर ड्रॉप करने जा रहा था तब उसे हनी सलाम के लोग रास्ते में रोक कर अपने साथ ले जाते हैं। अब आयशा को रॉजर की फिक्र हो रही थी। जब रॉजर हनी सलाम की तरफ जा रहा होता है तब वो देखता है कि सलीम की सेफ हाउस में आग लगी हुई है यानी सलीम के लोग यहाँ से भाग चुके हैं और रॉजर का मिशन बर्बाद हो चुका है। और अब हनी सलाम बहुत गुस्सा है और उसने एडवर्ड के आदमी को पकड़ लिया है जो कि मुस्तफ़ा का पीछा कर रहा था। हनी सलाम ये बोलकर निकल जाता है कि मिस्टर रॉजर फेरिस तुम्हारे पास सिर्फ 12 घंटे हैं इस देश से दफा हो जाने के लिए और उसके बाद तुम अगर यहाँ पे नजर आए तो तुम्हारी हालत मौत से भी ज्यादा बदतर होगी। इसके बाद हमें वॉशिंगटन का सीन दिखाया जाता है। रॉजर जॉर्डन छोड़कर यहाँ पे आ चुका है। वो एडवर्ड पर काफी भड़कता है क्योंकि मिशन के दौरान एडवर्ड ने अपनी काफी मनमर्जी चलाई थी। रॉजर बोलता है कि हनी सलाम ने मुझे लगभग मार ही दिया था। तो एडवर्ड अपनी गलती मान लेता है मगर वो अपने आप को जस्टिफाई भी करता है और कहता है कि मुझे जल्द ही सलीम के ग्रुप को खत्म करना होगा, वो लोग बहुत तबाही मचा रहे हैं और मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, वो लोग जल्द ही एक और बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले हैं। इसके बाद रॉजर एक प्लान बनाता है कि हम लोग एक टेररिस्ट अटैक करवाएंगे और दुनिया के नजर में शो करेंगे कि हम लोग टेररिज्म में न्यू राइजिंग स्टार हैं और जब सलीम को इसके बारे में पता चलेगा वो इस टेररिस्ट ग्रुप को जरूर कॉन्टेक्ट करेगा और तब हम लोग उसे पकड़ सकते हैं। तो एडवर्ड हॉफमैन रॉजर के प्लान से काफी खुश होता है और वो रॉजर को गारलैंड नाम के आदमी से मिलने के लिए कहता है। जब रॉजर गारलैंड से मिलने जाता है तो उसे पता चलता है कि ये आदमी एडवर्ड पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता क्योंकि एडवर्ड अक्सर लोगों से अपना काम निकाल कर उन्हें भूल जाता है और ऐसा इन दोनों के साथ हो चुका है। मगर फिर भी गारलैंड रॉजर की हेल्प करने के लिए राजी हो जाता है और वो रॉजर को एक आदमी की प्रोफाइल दिखाकर बताता है कि इसका नाम उमर सदकी है जो कि जॉर्डन में एक आर्किटेक्ट है। ये आदमी इनोसेंट है मगर उसके फाइनेंसर सभी लोग टेररिस्ट हैं। बड़ा अजीब कॉम्बिनेशन है मगर ये हमारे काम आ सकता है। इसके बाद हमें दुबई का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रॉजर पहुँच चुका है और वो एज अ बैंकर बनकर उमर को कॉन्टेक्ट करता है और जब उमर एक आदमी से मिल रहा होता है तब उसकी फोटो ले ली जाती है। असल में उमर से मिलने वाला आदमी एक लॉयर है जो कि कई टेररिस्ट ग्रुप के कांटेक्ट में है और इतना ही काफी है उमर को फ्रेम करने के लिए। इसके बाद रॉजर सीक्रेटली उमर के लैपटॉप से छेड़छाड़ कर देता है और उमर के लैपटॉप में अपना बैकडोर छोड़ देता है और फिर ये लोग उमर के बैंक अकाउंट से कुछ टेररिस्ट ग्रुप को पैसे भेजना चालू कर देते हैं ताकि जब बॉम्ब ब्लास्ट के बाद सलीम उमर की छानबीन करे तो उसे जरा भी शक न हो। इसके बाद एडवर्ड
रॉजर को इन्फॉर्म करता है कि हनी सलाम ने तुम्हें फिर से जॉर्डन बुलाया है और बेचारे रॉजर को फिर से अमान जाना पड़ता है। रॉजर जब हनी सलाम से मिलता है तो हनी सलाम अपने प्रीवियस रूड बिहेवियर के लिए उसे सॉरी बोलता है, मगर साथ में ही वार्न करता है कि जॉर्डन और कोई गलती बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके बाद रॉजर सीधा आयशा से मिलने जाता है तो आयशा बताती है कि मेरी सिस्टर तुमसे मिलना चाहती है, वही मेरी फैमिली है। अब भाई लड़का लड़की की फैमिली से मिलने जा रहा है तो लड़के को मिठाई भी खरीदनी पड़ती है। और फिर रॉजर थोड़ी ही देर में आयशा के घर तक पहुंच जाता है, जहां उसकी मुलाकात आयशा की सिस्टर से होती है और ये सब मिलकर साथ में खाना खाते हैं। और वही फैमिलीज की घिसी पिटी इंक्वायरीज होती हैं कि आप कहां से हो, क्या करते हो वगैरह वगैरह। आयशा भी अब रॉजर को पसंद करने लगी है और वो रॉजर को लाइफ पार्टनर की नज़र से देखने लगती है। इसके बाद हनी सलाम उमर की फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या तुम इसको जानते हो, ये एक लॉयर से मिल रहा है जिसके टेररिस्ट से कनेक्शन है और एक खास बात ये जॉर्डन से ही बिलोंग करता है। भाई लोग ये हनी सलाम तो काफी डेंजर आदमी है, इसको सब पता है। इसके बाद रॉजर गार्लैंड से उमर के कंप्यूटर को हैक करवा के काफी भड़काऊ मैसेज भेजना शुरू कर देता है ताकि ये मैसेज घूम घाम कर सलीम तक पहुंच जाए। इसके बाद हमें टर्की का सीन दिखाया जाता है जहां पर कुछ सोल्जर्स कुछ डेड बॉडीज को ट्रांसफर कर रहे थे। वहीं रॉजर भी उमर को टर्की आकर मिलने के लिए कहता है और जब उमर टर्की पहुंचता है उसकी कई फोटोज फिर से ले ली जाती हैं। असल में ये लोग उमर को फ्रेम करना चाहते हैं और खुद ही एक फेक अटैक करवाना चाहते हैं। वहीं टर्की के एयरबेस पर डेड बॉडीज पहले से ही पहुंचा दी गई थी ताकि ये अटैक बिल्कुल रियल लगे। इसके बाद यहाँ पर बेस में तगड़ा ब्लास्ट होता है और यही न्यूज सलीम भी देख रहा होता है और वो इस काम से काफी खुश है कि गेम में कोई नया खिलाड़ी आ चुका है। वहीं गार्लैंड भी उमर के रियल ईमेल अकाउंट से मैसेज भेजता है जिसमें वो बॉम्बिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। अब पूरा ट्रैप बिछ चुका है और अब बस सलीम के इस ट्रैप में कूदने का इंतजार है। वहीं सलीम का आदमी उमर की पूरी जानकारी निकालकर उसे दे देता है। इसके बाद उमर सदीकी दिखाया जाता है जिसकी ईमेल पर काफी सारे टेररिस्ट उसे कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे थे और ये सब देखकर उमर की चटक जाती है तो वो अपना सामान लेकर यहाँ से निकल लेता है। वहीं सलीम भी अपने फोन से उमर को कॉन्टेक्ट करता है। नेक्स्ट डे एडवर्ड रॉजर को शाबाशी देता है कि नन्हे जासूस तुमने कर दिखाया, एनएसए ने काफी सारी इन्फॉर्मेशन पकड़ी है और काफी सारी कॉल रिकॉर्ड्स और इनमें से एक कॉल सलीम की भी थी। वहीं उमर को सलीम के लोग पकड़ लेते हैं मगर उमर घबरा कर बताता है कि मैंने कोई भी बॉम्बिंग नहीं की है, कोई मुझे यूज कर रहा है। सलीम भी एक स्क्रीन पर ये सब देख रहा होता है तो ये लोग उमर को मार कर कचड़े में फेंक देते हैं। इसके बाद रॉजर एडवर्ड को फोन करके बोलता है कि हम लोग उमर को प्रोटेक्ट करने वाले थे फिर भी वो मारा गया। रॉजर बोलता है कि एडवर्ड मुझसे अब ये और नहीं हो पाएगा, मैं ये काम छोड़ रहा हूँ। इसके बाद जब रॉजर अपने फ्लैट पहुँचता है तो उसे एक एनवलप मिलता है जिसमें उसकी और आयशा की फोटो थी और वो समझ जाता है कि आयशा खतरे में है। जब रॉजर आयशा के घर पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि आयशा और उसकी फैमिली तो गायब हो चुकी है तो वो हनी सलाम से हेल्प मांगने जाता है, मगर अब तक हनी सलाम को भी उमर के बारे में पता चल चुका था। तो हनी सलाम कहता है कि मैंने तुम्हें शुरुआत में ही कहा था कि मुझसे कभी भी झूठ मत बोलना वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा और अब मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। इसके बाद एडवर्ड भी जॉर्डन पहुंच जाता है। रॉजर एडवर्ड से हेल्प मांगता है कि सलीम से आयशा के बदले मेरी डील करो ताकि आयशा सेफ बच जाए। तभी रॉजर को एक मैसेज आता है कि आयशा को कॉल करो। जब रॉजर कॉल करता है तो उसे एक बॉर्डर के पास अकेले बुलाया जाता है जहां पर कुछ लोग रॉजर को एक वैन में ले जाते हैं और ये लोग जॉर्डन से सीरिया में इंटर कर जाते हैं। इसके बाद इनकी वैन सीरिया में लंबा रास्ता कवर करके एक जगह पर रॉजर को उतार कर चली जाती है और इसी टाइम एडवर्ड भी रॉजर पर नजर रख रहा होता है। भाई मुझे तो एडवर्ड CIA ऑफिसर कम एक स्टॉकर ज्यादा लगता है, हर समय नजर रखता है। कुछ देर बाद रॉजर की तरफ काफी सारी गाड़ियां आने लगती हैं और फिर वो लोग रॉजर को अपने साथ ले जाते हैं, मगर काफी धूल होने के कारण CIA वालों को पता नहीं चलता कि कौन सी गाड़ी में रॉजर है। अब एडवर्ड रॉजर के लिए काफी सॉरी फील करता है कि अब शायद रॉजर मुश्किल ही बचेगा। इसके बाद रॉजर को एक प्रिजन में ले जाकर बंद कर दिया जाता है जहाँ पर सलीम के लोग रॉजर की वीडियो बनाने लगते हैं। सलीम भी रॉजर से मजाक के मूड में बातें करने लगता है और यहाँ पर रॉजर को पता चलता है कि सलीम के पास आयशा है ही नहीं, आयशा को सलीम के लोगों ने किडनैप किया ही नहीं है, मगर सलीम ने रॉजर की किसी से डील की है, यानी कोई तो है जिसने रॉजर को धोखा दिया है। और इसी जगह पर मुस्तफा करामी भी मौजूद था जिसे हनी सलाम ने डरा धमकाकर अपने लिए काम पर रखा था। तो रॉजर जल्दी ही समझ जाता है कि मुस्तफा ने ही सलीम को रॉजर के बारे में बताया है और उसने ही रॉजर की डील करवाई है।
तो रॉजर सनी को बता देता है कि मुस्तफा जॉर्डन इंटेलिजेंस हेड हनी सलाम के लिए काम करता है, मगर सलीम रॉजर की उंगलियां तोड़ देता है। इसके बाद सलीम अपने आदमियों को कैमरे के सामने मार देने के ऑर्डर देकर यहां से निकल जाता है। जब सलीम के गुंडे रॉजर को कैमरे के सामने मारने वाले थे, तभी यहां पर जॉर्डन की स्पेशल फोर्स आ जाती है जो सभी गुंडों को मार देती है, और ये लोग असल में हनी सलाम के लोग थे। वहीं बाहर जब सलीम अपनी गाड़ी में जाकर बैठता है, तब हमें पता चलता है कि सलीम का ड्राइवर भी हनी सलाम का ही आदमी है, और फिर सलीम को अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद रॉजर का एक हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होता है, जहां पर हनी सलाम उससे मिलने आता है। और अब तक रॉजर भी समझ जाता है कि आयशा को हनी सलाम ने ही किडनैप करवाया था, हनी सलाम ने ही रॉजर को सीरिया के डेजर्ट में ड्रॉप करवाया था। गाइस, असल में हनी सलाम ने ही करीम के थ्रू सलीम से रॉजर की डील की थी, मगर उसका हिडन मोटिव रॉजर को फॉलो करते हुए सलीम तक पहुंचकर उसे पकड़ना था, और उसने आयशा को इसलिए किडनैप करवाया था ताकि रॉजर बिना ज्यादा सोचे सलीम के पास चला जाए। हनी सलाम स्माइल करके रॉजर से कहता है कि तुम जिंदा हो और आयशा भी जिंदा है, और सलीम पकड़ा गया। क्यों, हुई ना हैप्पी एंडिंग, क्या कहते हो? हनी सलाम कहता है कि मिस्टर रॉजर, तुम आयशा से जाकर मिल सकते हो। इसके बाद एडवर्ड रॉजर को CIA हेडक्वार्टर में डेस्क जॉब ऑफर करता है, मगर अब रॉजर CIA और एडवर्ड के लिए काम करना नहीं चाहता। रॉजर फिर दूर से आयशा को काम करता हुआ देखता है और फैमिली विजिट के लिए स्वीट्स वगैरह खरीदने लगता है। और लास्ट सीन में एडवर्ड भी रॉजर पैसे सैटेलाइट सर्विलेंस हटवा देता है, यह कहकर कि रॉजर अब CIA के लिए काम नहीं करता। और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।